साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि 15 अगस्त को मंच पर हमें भाषण देना है तो हम किस तरह से अपनी प्रस्तुति देंगे। यदि किसी विद्यालय का कार्यक्रम है तो संबोधन में एक औपचारिकता होती है कि आदरणीय प्रधानाचार्य, शिक्षकगण, हमारे मुख्य अतिथि, प्यारे नन्हे मुन्ने भैया बहनों, या फिर आप किसी सामाजिक मंच पर हैं तो वहाँ पर जो लोग उपस्थित हैं आप उनका अभिनंदन करेंगे, सादर वंदन करेंगे और उसके बाद अपनी स्पीच को शुरू करेंगे। साथियों, अब की बार हम लोग 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं और कहते हैं कि स्वतंत्रता की कीमत वही समझ सकता है जो परतंत्र होता है। हमारे देश के ना जाने कितने स्वतंत्रता सेनानियों ने, क्रांतिकारियों ने अपनी आहुति दी। भारत माँ इस स्वतंत्रता की बल वेदी पर अपने प्राण निछावर किए, तब आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं। वरना उन फिरंगियों का शासन ऐसा था कि ना हम घर के अंदर ना घर के बाहर सुरक्षित थे। स्वतंत्रता के पहले विगुल 1857 की क्रांति से मंगल पांडे, कुंवर सिंह, बेगम हजरत महल, रानी लक्ष्मीबाई और ना जाने कितने वीर सेनानियों ने अपने प्राण गंवाए और अंततः सन 1947 में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस, चंद्रशेखर आजाद, महात्मा गांधी, ना जाने कितने सेनानियों ने अपने प्राण त्यागे, तब आज हमें स्वतंत्रता मिली है। अब हमारी भी जिम्मेदारी बनती है कि हम उस स्वतंत्रता का मान रखें जैसा उन्होंने सोचा था, हम उसको सफल बनाएं, उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। उन्होंने एक जो रास्ता दिखाया उस रास्ते पर चलें और अपने देश को आगे ले जाएं, जिससे कि सारे विश्व में हमारे देश का मान बढ़ सके। चंद्रशेखर आजाद ने कहा था कि अगर अब भी तुम्हारा खून नहीं खौलता तो इसका मतलब है कि तुम्हारी नसों में पानी बह रहा है जो मातृभूमि के काम ना आ सके। ऐसे यौवन का क्या फायदा। हमें अपने निजी हितों को त्याग कर देश के बारे में सोचना चाहिए, देश की संपत्ति की रक्षा करनी चाहिए, देश के लिए कुछ कर गुजरने का जज्बा होना चाहिए। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि राष्ट्रवाद मानव जाति के उच्चतम आदर्शों सत्यम, शिवम, सुंदरम से प्रेरित है। हमारे मन में राष्ट्रवाद की भावना होनी चाहिए। ऐसा कोई भी काम नहीं करना चाहिए जो हमारे देश के हित में ना हो। हम किसान हैं, सैनिक हैं, खिलाड़ी हैं या आम नागरिक हैं, हमारे हर कार्यों से ये दिखना चाहिए कि हमारे अंदर देश प्रेम की भावना पल्लवित होती रहती है। हमारे समाज में ऊंच नीच, भेदभाव है, इसका कोई स्थान नहीं होना चाहिए। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा कि जब तक आप सामाजिक स्तर पर स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर पाते तब तक कानून द्वारा दी गई स्वतंत्रता आपके किसी मतलब की नहीं और हमें सभी के साथ समान व्यवहार करना चाहिए। ना कोई ऊंचा है ना कोई नीचा, सभी मिलकर इस देश को आगे ले जा सकते हैं। हमारे पूर्व राष्ट्रपति और मिसाइल मैन एपीजे अब्दुल कलाम ने कहा है कि किसी लोकतंत्र में हर एक नागरिक की व्यक्तिकता, कल्याण और खुशी किसी राष्ट्र की खुशी, शांति और समृद्धि के लिए जरूरी होती है। संविधान ने हमें कई प्रकार की स्वतंत्रताएं दी, कई प्रकार के अधिकार दिए, लेकिन इसके साथ ही हमारे कुछ कर्तव्य भी बनते हैं। भारत के हर एक नागरिक को याद रखना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे उस देश के हर एक अधिकार प्राप्त है, लेकिन कुछ निश्चित कर्तव्यों के साथ हमें अपने कर्तव्यों का भी भान होना चाहिए। साथियों, जब हम आज आज़ादी के 76वें वर्ष में प्रवेश कर चुके हैं, हमारे वतन के फरिश्तों ने देश के प्रति जो समर्पण करके हमें स्वतंत्रता दिलाई है, आज जरूरी है कि हम उस आज़ादी के मूल्यों को समझें, उनको बचाएं। महान स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि हमारे बलिदान और मेहनत से जो स्वतंत्रता हमें मिलती है, जरूरी है कि उसे हम अपनी सामर्थ्यता से बचा कर रखें। आज हमें ऐसे ही सामर्थ्य की जरूरत है। वह सामर्थ्य है देश के प्रति निष्ठा भाव, मानव धर्म के लिए बराबरी, मन में संवेदना और देश की व्यवस्था में सहयोग करना, जिससे कि हमारा देश आगे बढ़ सके। देश की राजनीति में भिन्न भिन्न दलों का अपना बेबुनियाद पार्टी, क्षेत्रीयवाद, संप्रदायवाद, ये सब हमारे देश को खोखला कर रहे हैं। हमें इनसे सतर्क रहना है और अपने देश को
आगे बढ़ाना है, मजबूत करना है। जब देश में कोई जाति या सांप्रदायिक दंगा होता है तो एक बात हम सभी को अपने जहन में रखनी चाहिए कि एक मिट्टी के होकर हम धर्म के नाम पर हम एक दूसरे के खून के प्यासे कैसे हो सकते हैं। और निश्चित ही हम अगर लड़ेंगे आपस में तो हमारा देश कमजोर होगा। नाम पर मजहबों के लड़ लड़कर यूं ही सड़कों पर बहा दोगे, सरहदों ने अगर लहू मांगा तो दोस्तों सरहद को क्या दोगे। आज हमारे देश को युवा शक्ति की जरूरत है, युवा शक्ति को भी जागरूक रहने की जरूरत है। अपने संजीले सुंदर भारत को अनुशासन, कर्तव्यनिष्ठा, स्वच्छता, ईमानदारी एवं भाईचारे से इसको मजबूत कर सकते हैं। इसमें सबसे बड़ी जिम्मेदारी हम नौजवानों की है। इसलिए आइए आज हम सभी शपथ लेते हैं कि हम ऐसा कोई भी कार्य नहीं करेंगे जो हमारी देश की तरक्की में बाधक है, और हम सब मिलकर संगठित होकर हम जहां भी हैं अपने कर्तव्य का पालन कर इस देश का मान बढ़ाएंगे। जय हिंद, जय भारत।